स्वास्थ्य भवन सफाई अभियान आज हमने खत्म किया। इसका मतलब ये नहीं कि प्रोटेस्ट, आंदोलन, धरना, मूवमेंट कुछ भी खत्म है। हम स्वास्थ्य भवन अभियान खत्म करने के बाद आज रैली करके आए हैं सीजीओ कॉम्प्लेक्स तक। सीजीओ कॉम्प्लेक्स में अभी सीबीआई का ऑफिस है और वो लोग वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। हमारा यहाँ आने का एक ये मकसद था और ये हम जनता तक पहुँचाना चाहते थे कि सीबीआई इन्वेस्टिगेशन कर रही है, लेकिन हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द इन्वेस्टिगेशन हो, फास्ट ट्रैक हो और हमें जल्द से जल्द पता चले कि अभया के कल्प्रिट्स कौन है, उन्हें जल्द से जल्द फांसी हो, उन्हें जल्द से जल्द सजा दी जाए। ये हम डे वन से बोल रहे हैं और आज भी हम यही अर्जी लेकर यहाँ आए हैं, यही लेकर आए हैं कि जो भी आप काम कर रहे हैं, वी रेस्पेक्ट दैट, हम उसकी पूरी तरीके से रेस्पेक्ट करते हैं, बट हमें न्याय चाहिए और हमें जल्द से जल्द न्याय इसलिए भी चाहिए ताकि हम अपने कर्मस्थल पर वापस जा सके और एकदम सावधान होकर सेफली, सेफ्टी सिक्योरिटी के साथ हम अपने कर्मस्थल पर काम कर सके ताकि दूसरी कभी कोई अभया का जन्म ना हो। और आज ये रैली यहाँ एंड करने के बाद हम सभी अपने अपने रेस्पेक्टिव कॉलेजेस में जाएंगे, जैसे हम आरजी कौर वापस जाएंगे और सब लोग अपने अपने कॉलेजेस में जाके इस धरने को, इस आंदोलन को और भी तीव्र गति से वहां से आगे बढ़ाया जाएगा। हम दो चीजों पर ध्यान लाना चाहते हैं आप सभी का कि कल हम एसेंशियल सर्विसेज एज डॉक्टर्स ज्वाइन कर रहे हैं। इतने दिन हम कोई भी काम में ज्वाइन नहीं कर रहे थे, बट हम कल से एसेंशियल सर्विस ज्वाइन कर रहे हैं, लेकिन हमारा प्रोटेस्ट और भी तीव्र गति से बढ़ेगा। मतलब हम डॉक्टर्स, हम चिकित्सक आंदोलन भी करेंगे और चिकित्सा भी करेंगे, लेकिन सिर्फ एसेंशियल सर्विस। और हम स्टेट गवर्नमेंट से ये निवेदन कर रहे हैं कि 27 तारीख को जो सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग है, सुनवाई है, उससे पहले उन्हें जो डायरेक्टिव दिया गया है, उन्हें जो कोर्ट से इंस्ट्रक्शंस मिली है कि ये सारी सेफ्टी सिक्योरिटी मेजर्स पूरी हो जानी चाहिए। अभी तक काफी मतलब एक महीना, डेढ़ महीना होने को चला, बट सुप्रीम कोर्ट में बार बार यही पूछा जा रहा है स्टेटस रिपोर्ट क्या है, स्टेटस रिपोर्ट क्या है। बट अभी भी अगर आप जाके देखेंगे आरजी कोर्ट में तो सीसीटीवी, सिक्योरिटी पर्सनल या फिर डॉक्टर्स का रूम कुछ भी नहीं बना है। तो हम यही निवेदन करेंगे स्टेट गवर्नमेंट से कि हमारी ये सारी जो भी न्याय रिलेटेड मांगे हैं, जो ये हमारी सेफ्टी सिक्योरिटी ड्यूटी करने के लिए जो हमें बेसिक नीड्स चाहिए वो पूरी कर दी जाए।